बीजेपी आए तो राम मंदिर आ गया। बहुत खुशी की बात है कि आज हम हर एक यात्री के रूप में भगवान को ही देख रहे हैं जिनको हम पार कर रहे हैं। कि बीजेपी का इवेंट है ये है वो, ऐसा कुछ नहीं, आरएसएस का इवेंट है वो, तो कांग्रेस वाले कभी सुधरेंगे। पागल आदमी है, पागल पप्पू क्या मालूम है, बच्चे छोटा बच्चा। अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी की बात है। कहाँ से आई हैं आप? मैं मुंबई से है, 2014 तक रावण राज था। अच्छा, अभी राम राज हो गया, 3 बार दर्शन हुआ, गुरुवार एक बार, शुक्रवार दो बार। मैं हूँ राजन और आप देख रहे हैं रात 24 नू। साथियों, आज हम अयोध्या के उस पावन धरा पर हैं और जो पूरे देश को, पूरे सनातनियों को आज इंतजार था 500 सालों का अथक प्रयास, आज वो पूरा हो गया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपूर्ण हो गया, विधि विधान के साथ पूरा हो गया। आपको हम बता दें कि 11 दिन का प्रधानमंत्री जी का उपवास जो था, आज उन्होंने जल पी करके अपने उपवास को तोड़ा और सबसे पहले जा करके प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही मंदिर में भगवान राम के आँखों की पट्टियाँ खोली गई। सोचिए, आज मैं इस सरयू तट पर हूँ, बगल में ये सरयू नदी है और अपने कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा, भैया आप इस सरयू नदी को आप दिखाइए कि किस प्रकार से पूरी अयोध्या जो है बस धर्ज कर तैयार थी अपने आराध्य देव भगवान राम की आरती उतारने के लिए। और अयोध्या में राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का विधान पूरा हो गया, अब श्री राम के प्रथम दर्शन हो गए। इससे पहले मंदिर के गर्भगृह में मोदी पहुंचे और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प लिया, फिर पूजा शुरू की। पीएम ने ही रामलला के आंखों की पट्टियां खोली और स्वामी गोविंद देव जी के ही हाथों जल पी करके उन्होंने अपना 11 दिन का उपवास तोड़ा। तमाम विश्वों के साथ जिस प्रकार से आज करोड़ों असंख्य सनातनियों का जो था कि हमारे भगवान कब टेंट से महल में आए, आज वो पूरा हो गया। खास बात में ये राम की पैड़ी बगल में है और ये सरयू तट पर है और आप बड़े टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि पीएम मोदी के जो लगाए गए हैं और यहाँ पर यहीं से सीधे लोग। सबसे बड़ी बात थी कि जितने लोग मेहमान लोग भी आए हुए थे, लेकिन उनके आने के साथ ही तमाम लोगों को जिस प्रकार से अयोध्या के अंदर आ गए थे, किसी को मायूस नहीं किया गया था। और देखिए, इसी सरयू घाट से बैठ करके तमाम लोग शांति व्यवस्था के साथ अपने आराध्य देव राम का एक झलक पाने के लिए जिस प्रकार से विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया गया। और जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि इस सरयू के तट पर हूं और निषाद राज ने भगवान राम को जिस प्रकार से पार लगाया था, आज उसी तरीके से यहां पर आप देखिए, बोटिंग फ्री, यानी लिखा गया है नाव फ्री, जय श्री राम बोटिंग फ्री, यानी आज यहां पर बोटिंग करना नाव ये फ्री है। तमाम आइए, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे, धीरे धीरे हम लोग चलते हैं उस जगह पर। देखिए, आज कल युग में भी जिस प्रकार से त्रेता की अनुभूति हो रही थी और हम लोगों ने सिर्फ कहानियों में सुना था, देखा था और पढ़ा था कि जिस प्रकार से भगवान राम को निषाद राज ने पार लगाया, उसी तरीके से आज यहाँ पर जो है, आज ये निषाद राज भगवान राम के आगमन के लिए, राम लला के आगमन के लिए यहाँ पर लोगों की फ्री सेवा कर रहे हैं। ये तमाम विश्वों के साथ एक, देखिए, एक चाचा जी आए हैं और यहाँ पर सेल्फी भी ले रहे हैं और बीजेपी का झंडा लगाए हैं और साथ में जय श्री राम का भी झंडा लगाए हैं। तो चाचा से हम जानना चाहेंगे, क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? नटराज। कहाँ से हैं? बेंगलुरु, कर्नाटका। अच्छा, कर्नाटका से हैं? बेंगलुरु से। बेंगलुरु से चाचा, बेंगलुरु से कब का आए हैं? गुरुवार सुबह। अच्छा, गुरुवार का है। तीन बार दर्शन हुआ, गुरुवार एक बार, शुक्रवार दो बार दर्शन हुआ। अच्छा, दो बार आपने दर्शन? तीन बार। देखिए, चाचा ने तीन बार दर्शन किया है, कैसा लगा यहाँ अयोध्या, क्या कहेंगे? भूलोक का स्वर्ग है। हाँ, रामराज हो गया आज से। आज से रामराज हो गया।
1947 से है 2014 तक रावण राज था। अच्छा, अभी राम राज हो गया। अच्छा, आज से अभी से हो गया। नाव पर घुमा कि नहीं घुमा? पूरा घुमा, घूम लिया नाव पर। आनंद आया पूरा, वो लोग का स्वर्ग है। चलिए हम लोग भी चलते हैं। और यहाँ पर चाचा ने बताया बेंगलुरु से आए हैं और ये तो झंडा बांध दिया है बीजेपी का। बीजेपी आए तो राम मंदिर आ गया, बीजेपी आया तो राम मंदिर आया था। अरे तो आपको हिंदी समझ में आता है ना? ये बताइए, विपक्ष तो राहुल गांधी बोलते हैं, ये बीजेपी का इवेंट हो रहा है? ये पागल आदमी है, पागल पप्पू। पप्पू क्या मालूम है, बच्चा है, छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा है पप्पू, पार्ले जी बिस्किट है ना, ये बच्ची है। अच्छा, पार्ले जी बिस्किट का बच्ची है। अच्छा, पार्ले को ये मालूम नहीं इसको। अच्छा, उसको कुछ मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं उसको। कम से कम ये क्यों एलकेजी यूकेजी जाना पढ़ना, कुछ भेजना इसको। अच्छा, यूकेजी एलकेजी भेजना अभी। देखिए चाचा ने कह दिया, बड़ी बात कहा है कि अभी पप्पू को हम एलकेजी यूकेजी के पढ़ने को भेजना अभी, कि कोई मालूम नहीं इसको। मैं उल्टा पुल्टा बात करता है, ये की बात सीधा नहीं बात करता। अच्छा, सब बात उल्टा पुल्टा, क्या बात करता है ना। अच्छा, चलिए आइए, ठीक है चाचा, बहुत बहुत जय श्री राम। जय श्री राम। आइए हम लोग भी चलते हैं यहाँ पर और वोटिंग का भी कुछ देखेंगे। और ये लोग आ रहे हैं और जिस प्रकार से देखिएगा भैया, आ जाइए आराम से आइए। और अम्मा शांति से देखिएगा देखिएगा, किस पे, इस पे बैठ जाए, इधर बैठिए बगल वाले, इस पे बैठ जाए। इसमें पेट्रोल खत्म हो गया, चलिए आइए भाई, इसी पर देख लिया जाता है। तो देखिए हम लोग इसी नौकायन पर हैं और जिस निषाद राज ने भगवान राम को पार लगाया था और आज इन लोगों ने भगवान राम का आगमन जिस प्रकार से हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, तो हमारे महानुभाव या साक्षात जिन लोगों ने भगवान राम को पार लगाया था, यही निषाद राज ने पूरे अयोध्या में जो है सरयू तट पर नौकायन फ्री किया हुआ है। और तमाम श्रद्धालु लोग आए हुए हैं, सब लोगों से हम जानना चाहेंगे कि हमारे भगवान राम का आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा हो गया है, अब आप लोगों को कैसा लग रहा है अयोध्या में, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी की बात है। कहाँ से आई हैं आप? मैं मुंबई से आई हूँ। मुंबई से? हाँ। कब का आई? मैं आई हूँ पहले काशी बनारस करके फिर यहाँ पे आई हूँ। अच्छा, अयोध्या में कब आई? कल आई हूँ मैं। अच्छा, कल आई हैं अयोध्या में। और आप लोग जैसे अयोध्या में पहले से जैसे ये प्लानिंग था आप लोगों का कि भगवान राम का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगा तो आप लोगों को आना है, लेकिन इस बीच जैसे आप लोगों ने बहुत चैनलों पर देखा होगा कि हमारे राम का जिस प्रकार से आज प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, आगमन हुआ है, लेकिन लोग आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी का इवेंट हो रहा है इस तरह से, क्या कहेंगे लोगों को, इसका क्या संदेश देंगे? मेरा वोट तो सिर्फ बीजेपी को ही है। बीजेपी को ही? मोदी जी। क्यों? अच्छा, कहाँ से? मुंबई से हूँ मैं भी। अच्छा, सभी लोग मुंबई से हैं? हाँ। कैसा लग रहा है अयोध्या में? मस्त एकदम, जो यहाँ का मतलब माहौल है, ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी का इवेंट है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं। आरएसएस का इवेंट है, वो तो कांग्रेस वाले कभी सुधरेंगे नहीं, उनको सोना देंगे तो भी वो बोलेंगे कि हमें और चाहिए और चाहिए, तो ये ऐसा नहीं है। हम विकास देख के वोट करते, तो बीजेपी को ही हम, जैसे कि उन्होंने सब जगह हर जगह विकास करके रखा है, खाली अयोध्या जैसे कि उन्होंने 500 साल का जो मंदिर का जो वेट था वो अभी पूरा हो गया है, जैसे कि भगवान हमारे टेंट में थे आज, आज हाँ टेंट में थे, आज महल में आ गए, और क्या चाहिए, इसी बड़ी क्या बात है। जय श्री राम। मैं प्रॉपर अयोध्या में 6 साल से रह रहा हूँ, लेकिन मैं, मेरा नाम आदित्य वर्मा है। क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि जैसे मैं पहले 6 साल पहले मैं आया था यहाँ पे, मैं जब से आया हूँ अयोध्या में तब से मैं उसका विकास दिन प्रतिदिन होते हुए देख रहा हूँ। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और योगी जी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अयोध्या के बारे में विकास के बारे में सोचा, उसके बाद उसको श्री राम जी के जो मंदिर है उनके निर्माण को दिन प्रतिदिन बढ़ाते हुए चले गए। आज ऐसा दिन आ गया है कि आज श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा में सभी लोग भाग ले रहे हैं।
जय श्री राम। पूरी अयोध्या राममय हो चुकी है। तमाम ये लोग जो इस बोट में बैठे हैं युवा हैं, और लोग बात करते हैं कि इस मंदिर को बनने से फायदा क्या है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और इस तरह से, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्या? अरे रोजगार तो देखो, अभी मंदिर जैसे कि जैसे मंदिर बना, रोजगार तो पूरे आसपास का पूरा इकोनॉमी हिल गया। देखो अभी उत्तर प्रदेश दो पे आ गया, अभी देखो एक साल में पहले पे भी जाएगा, एक नंबर पे जाएगा। जैसे कि राम मंदिर का अभी उद्घाटन हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, सब टूरिज्म आ जाएंगे। बाजू बाजू के जो खाना पीना रहना, फ्लाइट से आना रोड का, तो इतना तो पूरा इकोनॉमी तो राम के आसपास ही घूम रही है, और क्या चाहिए। तो कौन बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल रोजगार नहीं है? रोजगार तो है, हॉस्पिटल बनना चाहिए, मंदिर की क्या जरूरत। तो बना दो बावरी के यहाँ पे मस्जिद, ये हॉस्पिटल बना दीजिए, वहाँ पे भी तो दिया है, बावरी के इधर बना दीजिए हॉस्पिटल, और क्या चाहिए। ऐसा है? हाँ चलिए ठीक है। देखिए इन लोगों का ये मत है, जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि हॉस्पिटल बनना चाहिए था, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, मंदिर बनने की क्या जरूरत है, सरकार का पैसा जो है बंदरबांट हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें सरकार का एक भी पैसा लगा हुआ नहीं है। इसमें ये श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा और सनातनियों के द्वारा जो पैसा लगा हुआ है, ये राम भक्तों का पैसा है। और वे लोग तो कहते हैं कि मतलब मंदिर नहीं बनना चाहिए था, हॉस्पिटल बनना चाहिए था, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। चलिए जिस प्रकार से सब लोगों का अपना अलग अलग मत है और सब लोग कह रहे हैं कि कुछ न कुछ, लेकिन सवाल यही है कि आज जिस प्रकार से असंख्य सनातनियों का, करोड़ों सनातनियों का, आराध्य देव का जो 500 सालों का अथक प्रयास था, संपूर्ण प्रयास पूरा हुआ, और जिस प्रकार से उस समय निषाद राजों ने भगवान राम को पार लगाया था, तो हम लोग भी इसी सरयू में देख लीजिए, तमाम ये सरयू के घाट है। और ये कौन सा घाट होगा आप बताएंगे? राम घाट है। हा? राम घाट, राम घाट कौन कौन सा घाट आप यहाँ पे? हम लक्ष्मण घाट से आपको राम घाट तक सैर कराए हैं। अच्छा लक्ष्मण घाट से, क्या नाम है आपका? ब्रजेश माझी। अच्छा ये बताइए कि आज भगवान राम तो आज़ाद हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत खुशी है कि भगवान आज आज़ाद हो, इसीलिए अपने हम लोगों ने अपना नाव, आज जितने नाव वाले हैं भैया, सारे नाव फ्री कर दिए हैं भगवान। हाँ खुशी की होती है, बहुत गर्व की बात है। हम लोग तो सुने थे कि भगवान राम को आप लोगों ने ही पार किया था, आज इस प्रकार से सब लोगों को आप पार करा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है कि आज हम हर एक यात्री के रूप में भगवान को ही देख रहे हैं जिनको हम पार कर रहे हैं। अच्छा और क्या? देखिए इन्होंने कितनी बड़ी बात कहा है कि हर लोगों को मैं भगवान के ही रूप में देख रहा हूँ। चलिए हमारी वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा। तब तक के लिए कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ अयोध्या से राजन झा की रिपोर्ट, धन्यवाद, शुभकामना।